हाय, दिस इज सैम फ्रॉम रेडिट ट्रिक्स और आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर पे ही वैक्स पॉलिश कैसे बना सकते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा बहुत सारी शॉप्स पे वैक्स पॉलिश अवेलेबल है जो कि बहुत ही महंगी होती है। ये आपकी चीप एंड बेस्ट पॉलिश है। आप घर पे कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कैसे तरीके से बनती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें चाहिए वैक्स जो कि हम कैंडल के थ्रू निकाल सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फिर हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, ये लगाने वाला ऑलिव ऑयल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तारपीन का तेल, ये आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। और एक कंटेनर जो कि यूज़ करना है हमें, और ये कुछ इंग्रेडिएंट्स के कैलकुलेशंस है जो हमें यूज़ करनी है ड्यूरिंग दिस वीडियो जो भी हम बनाने वाले हैं। एक फ्राई पैन जिसमें देखिए सॉस पैन टाइप का जिसमें पानी हम गर्म कर सकें। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा पानी उबल रहा है। तो हम 40 ml लेने वाले हैं ये ऑलिव ऑयल, सेम 40 ml हम लेंगे तारपीन का तेल जो कि हार्डवेयर से हमने ख़रीदा है। थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, मीन्स ये वेपोरेट भी होता है टाइमली। तो अब हम इसको रख देंगे उबलते हुए पानी में क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते, तो अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो आग लगने का खतरा है क्योंकि जो वैक्स है और ये जो तारपीन का तेल है एज ए फ्यूल कंडक्टर होता है। हाई हीट पे ये स्पार्क करता है, मीन्स ये आग को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब इसमें हम ये वैक्स भी डाल देते हैं फाइनली। तो जैसे आप इसको डालेंगे, अगर पानी उबल चुका है और आपका बर्तन अच्छे से गर्म हो चुका है तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये मेल्ट होता रहेगा आपको इसको स्पून से हिलाते रहना है। हिलाते रहने से क्या होता है, ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो पाएंगे, अदरवाइज़ ये लेयर में बन जाएगा। तो वैक्स में से जो एक डोरी होती है जिसमें कैंडल से हम आग लगाते हैं, वो अगर इसमें कुछ दिखता है या फिर कुछ भी ऐसा गंदा आपको नज़र आता है उसको आप निकाल दीजिए। आप स्पून के थ्रू इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये रेडी है, हम इसको थोड़ा सा और उबालेंगे और फिर एक प्लेन जो भी हमने कंटेनर यूज़ करना है जिसमें से इजीली हम अपनी पॉलिश को निकाल पाएँ, हम उसको उसमें डालेंगे। तो अभी इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको निकाल के, तो आपके घर में कोई भी ऐसा कंटेनर जिसका ऊपर का एरिया काफ़ी बड़ा हो जिससे आप इजीली इसको यूज़ कर सकें, उसमें आप डाल दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, और आप नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ेंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स है जो लिखा हुआ, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसे ये बन जाता है कुछ इस तरीके से नज़र आता है।